हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है सैमसंग का होम थिएटर है, जो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसमें आज मैं ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये पुराना मॉडल है और इसमें ब्लूटूथ डिवाइस इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर आपके पास भी सैमसंग का ये पुराना मॉडल हो तो ब्लूटूथ डिवाइस नहीं दिया है, तो ब्लूटूथ डिवाइस कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे, आज इस वीडियो में आपको ब्लूटूथ डिवाइस इंस्टॉल करने के बारे में बताएंगे। ये आपका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले दिखाया। और ये बोर्ड है जो कि मैंने खोल के रखा, खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो इजीली आप इसको अच्छे तरीके से ओपन करके खोलेंगे। खोलने में यहाँ पे 4-5 स्क्रू लगे हुए हैं और एक ये लगे हुए हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे खुलेगा और इजीली अच्छे तरीके से खोलेंगे ताकि इजीली आपका निकल जाए। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो चलिए, इसमें ब्लूटूथ डिवाइस कैसे लगाएंगे इसका डायग्राम और सर्किट डायग्राम के अनुसार मैं बताऊंगा। सेम उसे ही कनेक्शन आपको कर लीजिएगा, उसके बाद आप इजीली से बोर्ड में ब्लूटूथ डिवाइस अपना इंस्टॉल कर पाइएगा। ये हमारा सिंपल सा बोर्ड है और मैं यहाँ पे एक ब्लूटूथ डिवाइस दिखाना चाहता हूँ। ये छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। 50 से 60 रुपये के अंदर में ये मार्केट में मिल जाएगा। बहुत ही छोटा ब्लूटूथ किट है और साउंड क्वालिटी भी बेटर ही आता है, एक नॉइज आता है वो थोड़ा बहुत हो सकता है। ये पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। ये जो सैमसंग का ये होम थिएटर बोर्ड है और एक ये लोकल ब्लूटूथ किट है। इस ब्लूटूथ किट को इस बोर्ड में कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में, और इजीली इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे पास ये जो जैक सिस्टम है, ये जैक के थ्रू मैं यहाँ पे ऑडियो इनपुट करके बजा सकता हूँ, जो कि AUX मोड होता है। तो उस मोड के थ्रू मैं यहाँ पे इस बोर्ड में अपना जो ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल करके और इस होम थिएटर को चला पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है एक छोटा सा ब्लूटूथ मॉड्यूल आपको चाहिए। ये जो मार्केट है 50 से 60 रुपये के अंदर या 40-50 में मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें जो बात होती है, ये यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव दो पिन होती है। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी किसी ब्लूटूथ किट में अलग अलग हो, पॉजिटिव इधर हो या नेगेटिव उधर हो, तो अपना देख लीजिएगा कौन सा किधर है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को यहाँ पे मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कितना वोल्टेज आपका यहाँ पर आ रहा है किस जगह पर। तो हमारा जो है एक ये जो ट्रैक लाइन है, ये जो ट्रैक लाइन ये ग्राउंड है, ये जो ट्रैक लाइन हमारा यहाँ पर है, ये ग्राउंड को ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ग्राउंड पॉइंट से लेके यहाँ पे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में एक पॉइंट में आपको 5 वोल्ट आएगा। मल्टीमीटर से चेक करेंगे जिसमें 5 वोल्ट आएगा उस पॉइंट में इसको कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका ब्लूटूथ किट जो है चालू हो जाएगा। ब्लूटूथ किट तो आपका चालू हो गया, लेकिन आप ब्लूटूथ किट का जो साउंड इस बोर्ड में इन कहाँ करेगा, इन आपका इस जगह पर करेगा, अर्थात ये वाली पिन में। तो ये जो जैक वाली पिन है जिसमें साउंड इन करने का सिस्टम है, उसमें मैं 3 कनेक्शन करूँगा जो ये ब्लूटूथ किट का जो है, ग्राउंड का ग्राउंड में और ये लेफ्ट राइट है। तो ये जो है लेफ्ट वाली, देखिए यहाँ पे भी 3 पिन है, ये वाले जो पिन है बीच वाली, ये आपका ग्राउंड है, तो इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। बाकी आप अपना लेफ्ट राइट किधर भी लगा दीजिए, आपकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर लेफ्ट राइट का कनेक्शन करेंगे, जिससे कि आपका होम थिएटर के साउंड सुनने में अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट और राइट कनेक्ट कर दिया, ये ब्लूटूथ डिवाइस हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये जो बोर्ड हमारा चालू करेंगे चालू हो जाएगा और ब्लूटूथ डिवाइस ये हमारा काम करने लगेगा। तो चलिए, आगे वीडियो में आपको इसको लगा के दिखाते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड, अपना कनेक्शन को समझ ही लिए होंगे और कनेक्शन भी कर लिए होंगे, ये मैंने पूरे कनेक्शन इसमें कर लिया हूँ। और चलिए, मैं आपको ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करके और टेस्ट करके आपको दिखाते हैं साउंड क्वालिटी इसमें कैसा आ रहा है, नॉइजेज भी आ रहा है कि नहीं। तो इस होम थिएटर में कोई नॉइजेज देखने को नहीं मिला, और किसी किसी का हो सकता है कि नॉइजेज प्रॉब्लम आए, क्योंकि ये ब्लूटूथ डिवाइस में ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है। तो चलिए, मैं यहाँ पर बजा के दिखाता हूँ एक छोटा सा सॉन्ग। सब गदर है आवारा।
ना जाना कैसी वफा।